यहाँ सुभाष चंद्र बोस पार्क में खड़ा हूँ, जहाँ आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पार्क में पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। पार्क में जानवरों का अड्डा बना हुआ है, साथ में स्कूल है, और जहाँ के जितने भी ये लोग हैं इनको बड़ी परेशानी होती है जब जहाँ गंदगी के ढेर लगे होते हैं। पास ही में ये फॉरेस्ट ऑफिस है और जहाँ हमारे विधायक भी है जहाँ रहते हैं, तो बहुत परेशानी होती है जहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, घास फूस है, जानवर बैठे रहते हैं। हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि इसको डेवलप किया जाए, जहाँ फूल शूल लगाए जाएँ और बेंच लगाए जाएँ, ताकि हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे और जहाँ नौजवान आकर बैठ सकें और अपना टाइम व्यतीत कर सकें। हमारी सर पार्क को, हमारे उधमपुर में दो ही पार्कें हैं, लेकिन दोनों का बुरा हाल है। इसका तो बहुत बुरा हाल है, इसको 30 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन जहाँ जो शराबियों का अड्डा, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं लोग, जानवर जहाँ बैठते हैं, तो मैं ये कहूँगा सरकार के इसको फौरन डेवलप किया जाए। इस पार्क की है 40 साल हो गए बने हुए, तो 40 साल से हमने कभी भी इसको बूंद दिखाई, इधर ना कुर्सियाँ लगी हैं, ना बेंच लगे हैं, ना कुछ लगा है। बैठने की कोई सुविधा नहीं है, ना पेड़ पौधे हैं, ना कुछ है। इधर सिर्फ गायें आती हैं, घोड़े आते हैं, कुत्ते बंदर वगैरह आते हैं, सभी को बड़ी परेशानी होती है। इतनी ज़्यादा गंदगी है, इतनी ज़्यादा, कोई भी आके देख ले। लाल सिंह जी को मैं कहूँगा कि आप खुद आके देख लें, चेक कर लें, या कोई भी एडीसी साहब, या कोई भी है, कोई भी नहीं रहता है। जब हमने टोनरिया वालों को बोला था इसकी सफाई करवाए, और उन्होंने ये पेज कराए हैं, आप खुद देख लीजिए कैसे इन्होंने कटिंग करवाई है इसकी।